तेरे दर्शक बंधु महापुरुष लिखित अनेक किसी मालिका मध्य गोटे प्रसिद्ध ग्रंथ हो ग्रह संहिता। तेरे ग्रह मान चलन ग्रह मान अवस्थित क्यों क्यों रोग व्याधि कौन कौन सब रही उपचार से विषय में मालिकार ग्रह संहिता कौन प्रमाण दिए तेरे आज सांगे जोड़ी बाबा शारदा प्रसाद आउ हाथ में अच्छी सीधा पोथर उद्धृत पांडुलिपि यार कौन से प्रिंट मार्केट अवेलेबल ना तेबे बाबा ठार शुणा कौन लेखा अच्छे ग्रह चलन विषय रे बाबा आप स्वागत कर जय जगन्नाथ बाबा कौन कह प्रथम कथा कहूँ जे कि आम नुआ वर्ष रे ग्रह संहितार राशिफल केवल वीडियो प्रस्तुत करते आज नवग्रह नवग्रह भितर राजा हूँ सूर्य सूर्य को चतुष्पाश्वर अन्य ग्रह मान परिभ्रमण कर सूर्य ग्रह बा रवि ग्रह प्रकोपुर कौन कौन शुभ फल प्राप्ति हुए कौन कौन अशुभत्व आसे एवं तार प्रतिकार कारण निराकरण कौन रही आम आज समस्त दर्शक बंधु मान पाखे उपस्थापन कराऊ उपस्थापन करने समय आम सर्वप्रथम से ही दृढ़ निष्पत्ति नहींचु जे कि आम दर्शक मैंने केवे कौन भ्रमर भ्रमर कौन व्यतिक्रम कि पैसा पत्र खर्च न हो कि जहाद्वारा मनरे आमर परिश्रम फलस्वरूप श्रद्धाटी क्षणिक भावप्रणतार भासी न जाऊ से कथा को आम प्रथम कही रखुचु ये जो कथा आम कहूँ रवि महाग्रह रवि महाग्रह जब कुंडली खराब हूँ तो ब्लड प्रेसर कोलेस्ट्रोल तथा हार्ट आटाक भली रोग मान आमको भोग कर पड़े एवं प्रथम कथा कहूँ ये रोग पर डाक्तरी चिकित्सक आम एड़े दि जा नपे डाक्तरी चिकित्सा सहित जदि महापुरुष मार्ग को आम अनुसरण करवा जदि आम प्रारब्ध दोषर पूर्वजन्म अभिशापुर जदि कि रोग आसी थाए औषध सहित ये मंत्र मिसीगले महौषधि परिणत हो तेणु ग्रह महापुरुष लिखिंट ग्रह संहितार सूर्य कब चे सर्व सिद्ध हेब हृदय व्याधि निश्चय दूर हेब चौकी बटे कहे अच्युत गुपत रखीबु बरज सुत ताने मालिकाटे कौ जगार लेखाहीला सालेपुर अंतर्गत जो चौकी बट अच्छा जोटे अभय पंजर लेखाला लेखा जाता से जगार ग्रह संहिता लेखाई प्रमाण आमको मिलगला चौकी बटे चौकी बटे चौकी बटे कहते चौकी बटे कह अच्युत गुपत रखीबु बरज सुत बरज सुत बोले रामदास कही तेणु मुझे आम लक्ष्मी पंजर भिडियो बनईलु ये कवचटी को संपूर्ण आपण मानते पाठ करुचु यार धारण विधि कहीदु जदि आपण मानक ब्लड प्रेसर होलेट्रोल हो हार्ट कौन समस्या अच्छी आपण ये कवचटी को भिडर देखिकी मन रखिले कल्याण प्राप्त पारे जमी आम बहुत कष्ट स्वीकार कर बर्तमान कल्किलीला पुस्तक जो प्रस्तुत कराई से पुस्तक कल्किलीला कौन ना विभिन्न मालिकार विभिन्न महापुरुष मैंने जहाँ को लिखिदेले विभिन्न बही किणवा अपेक्षा गोटे बही में आपड़ मोटामोटी उपर कि तत्व को हृदयंगम करें जमी पुस्तक प्रस्तुत करूँ आम भी संकल्प नौचु ये जो मंत्र को आपण मान सम्मुखें आम कहूँ जदि आपण मानकर से ही श्रद्धा सहयोग लग रहे पुस्तक रूप से प्राप्त करी भली आग्रह प्रकाश करेंगे ये कवचर केमी धारण करेंगे केमी पाखे रखिए आम करदेबू आमको किसी खर्च करा पड़ू ना केवल गोटे विधि गोटे लिखार अच्छे यहाँ हूँ कथा आम पाठ करू सूर्य कवच जो मान हृदय रोग ब्लड प्रेसर कोलेस्ट्रोल अच्छी चक्षु रोग विशेषकर अच्छी आप चक्षु रोग गोटे चाक्षुष विद्या अच्छी आम भिड करूँ कि ये तीन टा रोग कवच आपखे उपस्थापन करपण बंधु बांधव समस्त भिड प्रेरण करूँ जद्वारा कि रोगी निश्चिंत उपकार पाई आपण मैंने समस्ते शुणु कहते शुण सुमुनि शार्दूल सूर्यस्य कवच शुभम शरीरारोग्य दिव्य निर्भ सर्वसौभाग्यदायक ताने कवचटी को शुणिले कौन हम ना सर्वसौभाग्य प्राप्त हो शुण सी मुनि शार्दूल सूर्यस्य कवच शुभम शरीरारोग्य दिव्य सर्वसौभाग्यदायक दिदीप्य मान मुकुटम स्मरण मकर कुंडलम ध्वत्ता सहर्ष किरण स्तोत्र मेत दूतिरयत शिरो मे भास्कर पातु आपण पाठ कला शिरो मे
ସମୟ ଭାସ୍କର ମାନେ ଶିରରେ ହାତ ରଖିବେ ଲଲାଟ ମେ ମିତବ୍ୟଦୁତି ନେତ୍ରଧୀନ ମଣି ଶ୍ରବଣେ ବାସୁରକ୍ଷମ ଘ୍ରାଣ ଧର୍ମ ଘଣ୍ଟି ପାତୁ ବଦନଂ ଦେବ ବାହନ ଜୁହାମେ ମାନଦହ ପାତୁ କଣ୍ଠ ମେ ସୁରଭିଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଭାକର ପାତୁ ବକ୍ଷ ପାତୁ ଜନପ୍ରିୟ ପାତୁ ପାତୁ ଦ୍ୱାଦଶାତ୍ମ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସକଳେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷାତ୍ମକ ସ୍ତୋତ୍ର ଲିଖିତ୍ୱା ଭୁଜପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କବଚ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ଇଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ରେ ଦେଖାଉଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷମ ଏକ ସ୍ତୋତ୍ର ଲିଖୁତା ଭୁଜପତ୍ରିକ ତଧାତି ଜ କରେ ତସ୍ୟ ସର୍ବରୋଗ ବିନାଶାୟ ଇଏ କବଚଟିକୁ ଭୁଜପତ୍ର ବୋଲେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିକିରି ଆକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏଇ ଏଇ ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ତଥ୍ୟ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ବାବା ଯାହା କହିଗଲେ ସାଲେପୁର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଚୌକି ବଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚୌକି ବଟ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର କିଏ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ କେବେ ହେବ ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ଅନ୍ଧାର କେବେ ହେବ ବାଇଶ ପାହାଚରେ ମୀନ କେବେ ଖେଳିବ କେବେ ସରିବ ଏଇ କଳିଯୁଗ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲିଖିତ କଳ୍କି ଲୀଳା ପୁସ୍ତକ ଆଜି ହିଁ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ 8763148981 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ।